स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जेक्ट है वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो रूल्स हैं, लॉ हैं, एक है किरचॉफ करंट लॉ और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग किसी एट एनी टाइम इंस्टेंट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप और ए सर्किट इज ज़ीरो। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एक ये सर्किट है, क्लोज लूप है ये, इसमें जितना वोल्टेज राइज होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि एल्जेब्रिक सम ज़ीरो रहेगा वोल्टेज का। वोल्टेज राइज कहाँ पे होता है, जो सोर्स वोल्टेज सोर्स लगे होते हैं, जैसे E1 और E2 लगा, तो इन दोनों का टोटल E1 प्लस E2। और वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तीनों का सम किसके बराबर होगा, जो वोल्टेज राइज हो रहा है, यानी कि दोनों सोर्स के टोटल के बराबर। सोर्स दोनों यहाँ पे अपोजिट पोलरिटी में जुड़े हुए हैं, इसलिए E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो E1 माइनस E2 इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपको प्रैक्टिकली वेरीफाई करके देखना है। यहाँ पे हमारे पास जो किट है, ये किट है, इसमें दो सोर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये V1 के नाम से है, V2 के नाम से। ये ब्रेडबोर्ड है, इसमें क्या होता है, इंटरनली मेटल की स्टेप लगी होती हैं और हम कंपोनेंट को बाहर से लगाते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया, तो ये होल्स में ये इंसर्ट किए गए हैं और होल्स में नीचे के साइड में, अंदर साइड में स्टेप्स लगी हैं। तो यहाँ बीच वाला जो ये एरिया है, इसमें वर्टिकल स्टेप्स लगे होते हैं, पांच पांच होल्स में वर्टिकली स्टेप वर्टिकल लगे रहते हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लगे रहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमें V1 के पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस से, तो देखिए इसके रेजिस्टेंस के वर्टिकल के वाले होल में किसी में लगा देंगे, तो हमारा ये V1 से ये रेजिस्टेंस इस वायर से कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए हमें इस रेजिस्टेंस से ये रेजिस्टेंस जोड़ना था, तो देखिए हमने क्या किया, इसके वर्टिकल में ये होल में लगा दिया, तो यानी कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जुड़ गया। ठीक है, इसी तरह इसमें कनेक्शन किए जाते हैं। तो इस ये कनेक्शन जो किए गए हैं आपके सर्किट के अकॉर्डिंग किए गए हैं, R1, R2, R3 इसमें दिखाए गए हैं, और वैसे ही यहाँ पे ये R1, R2 और R3 हैं। ये सोर्स है, सर्किट में क्या है, V1 के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है R1, R1 का दूसरा सिरा जुड़ा है R2 के पॉजिटिव से, R2 का नेगेटिव जुड़ा हुआ है R2 के पॉजिटिव सिरे से, और R2 R3 जुड़े हुए हैं, और R3 फिर वापस जा कर के E1 के माइनस में पहुंच गया, जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम में जैसे बना हुआ है वैसे ही यहाँ प्रैक्टिकली ये जोड़े गए हैं। हमें क्या करना होगा कि दोनों वोल्टेज सोर्स का एल्जेब्रिक सम निकालना है और तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम यहाँ पे मल्टीमीटर यूज़ करेंगे। ये मल्टीमीटर है हमारा, इसको वोल्टेज पे सेट किया गया है, 20 वोल्ट पे सेट किया गया है इसकी नॉब को, और इसकी दो टर्मिनल्स हैं, इससे हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, R1 के अक्रॉस निकालेंगे, R2 के अक्रॉस निकालेंगे और R3 के अक्रॉस। तो तीनों वोल्टेज ड्रॉप का टोटल और दोनों वोल्टेज सोर्स का एल्जेब्रिक सम होगा। यहाँ पे ये दो नॉब हैं, इनसे वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि दो वोल्ट अपोजिट पोलरिटी में अगर सेम वोल्टेज रहेगी तो वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट पोलरिटी में, इसलिए दोनों वोल्टेज में अंतर होना चाहिए जिससे कुछ वोल्टेज सप्लाई हो। तो हम इसको करके देखेंगे, परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले